हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है करोजन कंट्रोल का एनोडिक प्रोटेक्शन इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कैथोडिक प्रोटेक्शन बाय सैक्रिफिशियल एनोडिक मेथड एंड इम्प्रेस करंट मेथड कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम बाहर से करंट अप्लाई करके उस मेटल को कैथोड बिहेव करवाते थे, थे इस मेटल में हम क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नल करंट अप्लाई करके उस मेटल को मोर एनोडिक कर रहे हैं that is the principle involved in anodic protection method is to passivate the metal by applying external current to behave as a more anodic hame us metal ko more anodic banana hai matlab hame pata hai इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम देखते हैं तो उसमें जिनका भी आ, जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज़्यादा रहता है वो मेटल एनोडिक रहते हैं यहाँ पे हम वही कर रहे हैं कि उनको पैसिवेट कर रहे हैं पैसिवेट करना मतलब करोजन रेजिस्टिविटी उसकी बढ़ाना बाय अप्लाइंग दी एक्सटर्नल करंट ओके सो ये जो एनोडिक प्रोटेक्शन है वो हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सो इट इज़ एप्लीकेबल टू द मेटल एंड अलॉय विच शोज एक्टिव पैसिव बिहेवियर जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखे है स्टील है स्टेनलेस स्टील है आयरन टिटैनियम एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम ये सभी मेटल्स या फिर इनके जो अलाए है वो आयनोडिक प्रोटेक्शन की हेल्प से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अभी हमारे पास एक एग्जांपल है बैग डायग्राम फॉर आयरन यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे हमें दिखाया है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ओके और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सबसे पहले यहाँ पे पीएच एच सेवन पे अगर हम देखते हैं पीएच एच सेवन पे तो एक मार्क हमने किया है एज एक्स एट ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जीरो पॉइंट फोर ओके तो अभी हम अगर ये पोटेंशियल चेंज करते हैं अगर हम बाहर से एक्सटर्नल करंट सप्लाई करके पोटेंशियल चेंज करते हैं मतलब अगर हम नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं मतलब अगर हम पॉइंट जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट एट की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें पता है कि ये जो करोजन है रेट रेट ऑफ़ करोजन है ये रेट ऑफ करोजन यहाँ पे बढ़ जाता है करोजन का एरिया बढ़ रहा है ओके ऑन द अदर हैंड अगर हम इस मेटल को पैसिवेट करते हैं इसकी पैसिविटी बढ़ाते हैं मतलब अगर हम यहाँ पे जाते हैं जीरो या फिर उससे हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जैसे कि जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट एट की तरह का, अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो करोजन का जो एरिया है ये कम होता जा रहा है मतलब इस मेडल को हम पैसिवेट कर रहे हैं उसे मोर एनोडिक बना रहे हैं जिसकी वजह से ये इसकी जो करोजन रेजिस्टिविटी है वो बढ़ रही है तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो करोजन का जो एरिया है वो कम होते जा रहा है मतलब रेट ऑफ करोजन जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है वो कम होते जा रहा है ओके okay. तो इस तरह से बाहर से हम एक्सटर्नल करंट अप्लाई करके उस मेटल को पैसिवेट कर सकते हैं उसे मोर एनोडिक बना सकते हैं ओके okay. और ये जो करंट हो जो करोजन रहता करोजन uh, कंट्रोल की मेथड रहती है जहाँ पे हम एक्सटर्नल करंट अप्लाई करके उसको हम पैसिवेट करते हैं उसी को हम कहते हैं फिर एनोडिक प्रोटेक्शन ओके तो सिमिलरली एज ए कैथोडिक प्रोटेक्शन यहाँ पर भी हम बाहर से करंट अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे हम उसे कैथोड बिहेव करवाते थे, थे यहाँ पे हमें उस मेटल को जो है मोर एनोडिक जो बिहेव करवाना है बाय अप्लाइंग दी एक्सटर्नल करंट मतलब यहाँ पे हमें उसे पैसिवेट करना है सच टाइप ऑफ करोजन प्रोटेक्शन मेथड इज कॉल्ड एज एनोडिक प्रोटेक्शन ओके आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू